जैसे मैं आपको बताऊं, आ जा रहा है शिक्षा मंत्री, टैबलेट बांटना, बोले हम 5 लाख बड़का ने टैबलेट देंगे। अरे 50,000 मास्टर की वैकेंसी खाली है, तो कौन टैबलेट चलाना सिखा होगा उन्हें? 50,000 मास्टर की वैकेंसी खाली है, उन्हें भर देना। टैबलेट सिखाने वाला भी तो चाहिए, चलाने वाला भी तो चाहिए। कोई नहीं है चलाने वाला, अपना वोट बनाने का ही भाई। अच्छी बात है, तुम दो टैबलेट, उन्हें सिखाने चलाने वे भी तो चाहिए। अब टैबलेट पर पढ़े जाएंगे बालक, मास्टर की जरूरत नहीं, खत्म हो जाएगा सब कुछ। ये जितने डिग्री कर रहे हैं ना, जितने मास्टर, सोच लियो सबका रोजगार खत्म है, क्योंकि टैबलेट दे देंगे, वो ऑनलाइन चल लगा, एक मास्टर सारे पढ़ा देगा इन्हें सब कहने। तो मैं ये कह रहा हूं, 10वीं फैल शिक्षा मंत्री, सरपंच चाहिए 10वीं पास। अरे जब एक बात बताओ, शिक्षा मंत्री 10वीं फैल बन सके है, सरपंच 10वीं पास की क्या जरूरत है उसमें? मास्टर जो सारे पढ़े लिखे बुद्धिजीवी हैं, गुरुजन हो मास्टर, तो उनके ऊपर अनपढ़ आदमी बैठा रहे, क्या भर्ती करता नहीं, वे कैसी खाली पड़ी है। कोई सा भी डिपार्टमेंट अनिल विज साहब है, ऊ बना रहा गब्बर सिंह, गब्बर, अरे गोबर सिंह हो रहा है, क्या का गब्बर सिंह है, गोबर सिंह हो रहा है। ये बालक 100 बालक गए, 100 बालक अनिल विज के पास गए, अख जी बारा रिजल्ट, रिजल्ट दवा दो हरियाणा पुलिस का। 20 सेकंड का टाइम नहीं दिया, 20 सेकंड नोला मेरे बस की कौन है? अरे जब तेरे बस की नहीं है तो रिजाइन दे दे। जब तू अपने डिपार्टमेंट में भर्ती तक नहीं करवा सकता, तो फिर क्या फायदा भाई अनिल विज साहब? हम तो नहीं मानना थे यार, गब्बर सिंह नाम है, गब्बर सिंह नाम है, अपने नाम को गब्बर, हम तो गब्बर सिंह कह देंगे। ये हरियाणा पुलिस वाला ने भर्ती कर लो भाई, इनका रिजल्ट काट दो। अरे अगर जब भर्ती नहीं कर पाता है, तो मैं गब्बर सिंह को गोबर सिंह कहूंगा और सबको कहूंगा इसको गोबर सिंह कहना शुरू करो। कोई फायदा नहीं है फिर इनको गब्बर सिंह गोबर सिंह कहने का। ये स्टंटबाजी करने की जरूरत नहीं है। हरियाणा पुलिस में जितनी भी कैसी खाली है उनको पूरी भर, ताकि कानून व्यवस्था ठीक हो सके, लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। मेरे 100 पुलिस वाले जानकार हैं, वे क्या कहे हैं, अब स्टाफ तक होना के करें, हम बताओ के क्या करें, इनने ती जाकर उड़े सिक्योरिटी करें, अग भाई लोग ही करें। तो ये स्थिति है भाई साहब। तो इसको लेके 7 तारीख को जितने भी बेरोजगार साथी हैं, जितने नौजवान साथी हैं, और उनके बापू भी, और उनके माँ भी, उनके चाचा ताऊ यार दोस्त जो भी हो सके, जो जीत जन्मदिन मनाने लग रहा ना, कट्टर साहब के काटने लग रहा है, उड़े आवेंगे। जित के कट है ना, उड़े आवेंगे हमें 7 तारीख में। और कोई सवाल जवाब हो तो बता दो भाई। सर, तालु में एक लड़के पवन ने आते में उसके पीछे भी कहीं ना कहीं यही वजह बताई जा रही बेरोजगारी की। मैं अभी वहीं से आया हूँ, वो जो लड़का पवन है, मैं उसके परिवार से मिलकर आया हूँ। मगा जी के मामला था उस लड़के के, एक ये था कि मना आर्मी में लगाना, वो टॉपर लड़का था, टॉपर 4.5 मिनट में रेस के लिए कर करता 1600 मीटर की, ये 10 मिनट में करके दिखा दो ना कौन से नेता। अरे एक जवान बालक इतना हताश हो गया, मैं बताऊं आपने, इतने हताश हो रहे हैं बालक। कल मेरे द्वारा वीडियो आई थी, कई लड़कियों की वीडियो आई थी इस हरियाणा पुलिस वाली की भी, वे इतनी परेशान हो रही थी। मैं तेन कहूँ पर सुसाइड में ना करियो, या सरकार मारना चाहवे सारे ने, अकमर कहने मिट जाते ठीक से, इस सरकार ने मारेंगे। तो बेरोजगार दत्ता सुन की जरूरत है नहीं, लड़ाई लड़ा यार सड़क पर उतर के लड़ाई लड़ेंगे, क्या प्रॉब्लम है? क्या 2024 तक हर गांव में लाश उठने की आशंका लग रही है जो बेरोजगारी का स्तर? इससे देखो आधी चीजों का पता नहीं चलता भाई साहब, आधी चीज ज्यादा पता नहीं चलता गया, सुसाइड क्या तक करिए क्या तक नहीं करिए। मैं ये कह रहा हूं, नौजवान बालक है, उनने घर के भी ताने दिया रहे हैं, रिश्तेदार भी ताने दिया रहे हैं, यार दोस्त जो लाग रहे हैं वो भी ताने दिया रहे हैं। इब जब 5 लाख वैकेंसी हरियाणा में खाली पड़ी है, तो 5 लाख ने तो भर दो, 5 लाख तो भर दो भाई, तुम्हें 5 लाख बिन्ने भरते। सर, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी ने बेरोजगारी दूर करने के वादे किए थे, प्राइवेट नौकरियों में भी आरक्षण की कही थी, तो क्या मंशा हो सकती है? दुष्यंत चौटाला साहब ने एक बात कही, डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, मैंने सुनी थी वह वीडियो, बोला थोड़ा इंतजार कर लेता हरियाणा पुलिस का, ये करने लग रहे इंतजार, और ये
ये सारे इंतजार करने लग रहे, वो ताकत रहेगा रिजल्ट। दुष्यंत चौटाला में अगर दम है, वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है और उसकी चाल है, तो बता कुछ दिन रिजल्ट आओगे हरियाणा पुलिस का, बता दे। आपके माध्यम से पूछू मैं, दुष्यंत चौटाला से पूछो, कोई ना पूछता है ना किससे ने, मैं बताऊं आपने किससे की नहीं चालती। हमने नहीं बेरा, हमने बेरा कि एक मुख्यमंत्री की तो चालती है, सब नुका है, वो देखेगा भाई वो मुछे आना, वो देख हम जिस पर जो देखा बोला मुछे आना यू की मुछ असली एक प्लास्टिक है, हमने नहीं बेरा भाई। तो सर देश में मुख्य मुद्दा तो है बेरोजगारी का, बेरोजगारी खत्म होगी तो महंगाई, गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार। अरे भाई साहब, जब किसी ने रोजगार मिल जाएगा, अपने पालक पालेगा, अपने आराम से शांति तरह रहेगा, कि मैं खरीदेगा, फिल्म देख का होगा और कुछ कर का होगा, पैसा मिल लगा उल्टा देगा, जब पता है ये तो सही को किसे दौरे देगा किस तरह, तो जब नहीं है तो फिर वे क्या करेंगे, लूट मार करेंगे और क्या करेंगे। अरे डकैती हुई थी ना 20 लाख की, कितनी हुई थी, वे कुड़ कुड़ बालक थे बताओ, रपिये सैनी किसे दौरे, तो वे भी क्या करेंगे पढ़े लिखे, उन्होंने कहा चलो लूटो चीज दौरे, उसने लूटो उन तभी मैंने को लूट मार करने वाला, तभी चोरी डकैती जो करो कर लो भाई, सरकार तो रोकते नहीं, अरे तब मारे कहे तो रोको नहीं, लेकिन किसा है गोली मत मारो, आदमी ने मार के पैसा मत ले, उसका कोई फायदा नहीं। परिचय तो मेरा नाम नवीन जैन है, इतना परिचय बहुत है यार, और की परिचय बेरोजगार हूं मैं भी। अरे ये मुश्किल, इसका लॉजिक ये है, ये जो मुसल है आ किया तो मारा आंख दे दो, अरना फिर मुसल ले लो भाई, यो ठोके गेरे काम तो है, इसका लॉजिक है यो। खिलाड़ी आ कोटा खत्म करा था ना, आपको पता हुआ तो ये सोटा ही लेकर आता भाई साहब वो कोटा वापस, ध्यान होगा ना कुछ, ये मैं हिसार तो जब आ नहीं पाया था लेकिन आप लोगों को ध्यान होगा, अरे भाई वो सोटा ही लावा, नौकरी नाकरी सब कुछ ही ये सोटा ही लावा, तो आगे यही सोटा लेकर के चलने वाला, यो ही ले, मैं तो यो ही रखा रहूं भाई साहब, आपन और क्या की जरूरत है, कोने सोटा यो तो बतेरा है, योटा है कि किसे तो अच्छी बात करो। सरकार को हम ये इसलिए कह रहे हैं, सोटा इसलिए दिखा रहे हैं, अग भाई आते है बेरोजगार आने रोजगार देने का इंतजाम ना, सोटे तो ही तैयारी करो भी, सोटे बर्छा भी ले रखा है, वो बर्छा भी है अन्याय के खिलाफ बर्छा है, दिखा दो रहे सारे हथियार आओगे, तो जेड़ी भी आओगी, तलवार भी आओगी, सब कुछ आओगे भाई, सब लोग यो रहा फरसा, या बामणा की जमीन कब्जा कर रखी है सरकार ने, उसने छुटवाओगे एसआर में भी दोगे बामणे, उनने कह दो यार बीजेपी जमीन दाब रही है सरकार है, बता दियो उनने 22 तारीख ने न्योता है सारे का, उससे जमीन पे परशुराम जयंती मनेंगे, उससे जमीन पर परशुराम का मंदिर बनाएगा, जी सरकार तो रोक क्या जावे वो रोक के देख लिया, और बताओ भाई साहब सारी आओगी जेड़ी जाली लठ लाठ सब कुछ आओगे, थोड़े थोड़े देखते जाओ आप। सर चलो एक अलग प्रश्न में पूछता हूँ बेरोजगारी के अलावा, हाँ हाँ पूछो, जैसे कि जगह जगह जो मकान है वो गिराए जा रहे हैं अवैध कब्जों के दाम पर, सर उस पर क्या टिप्पणी, अवैध कब्जे पहले तो ये करवाए हैं सारे अफसर रपिए।